नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तों बच्चों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के दौरान मिलने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे हमें पता चलेगा कि माता रानी ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वो हमसे प्रसन्न है आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों बच्चों हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी धरती पर विचरण करती है इसलिए इन नौ दिनों में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं जप तप करते हैं उसका फल हमें अति शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है इन नौ दिनों में हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं उसका भी फल हमें प्राप्त होता है और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है इसलिए हमें बुरे कर्मों और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए नवरात्रि के इन नौ दिनों में हम व्रत करते हैं व्रत का मतलब केवल अन्न जल का त्याग करना ही नहीं होता अपितु काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष, किसी की भी बुराई करने से दूर रहना चाहिए अगर इन विकारों को दूर रखकर सच्चे मन से हम माँ की आराधना करते हैं तो भले ही हमारी पूजा में दो चार सामग्री कम ही क्यों ना हो पर मन को छल कपट से दूर रखकर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नवरात्रि में व्रत रखकर पूजा की है या बिना व्रत के आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में पहला संकेत अगर इन दिनों आपको अपने घर में मंद मंद सुगंध आनी महसूस हो बिना किसी चीज़ के जलाए आपको किसी दिव्या हल्की हल्की सुगंध की अनुभूति हो तो आप प्रसन्न हो जाइए कि माता रानी आप पर प्रसन्न है जरूरी नहीं कि ये सुगंध घर के सभी मेंबर्स को महसूस हो ऐसा अक्सर माँ की भक्ति करने वाले लोगों के साथ होता है नंबर दो अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर पर बार बार गौ माता का आगमन होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ये माता रानी के प्रसन्न होने का ही संकेत है नंबर तीन यदि आपके घर के मंदिर में अचानक से मधुमक्खी आ जाए तो इसे भी नवरात्रि के दौरान शुभ माना गया है मधुमक्खियों को मां दुर्गा के भ्रमण का स्वरूप माना जाता है नंबर चार यदि आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है और उसमें घी या तेल बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है तो समझिए कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है दिए की लौ यदि अचानक से बहुत तेज हो जाती है तो भी ये संकेत माना जाता है कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है नवरात्रि में आपके घर की ज्योत में फूल का बनना भी माता रानी के प्रसन्न होने का संकेत होता है नंबर पाँच नवरात्रि के दौरान यदि आपको अपने घर के द्वार पर या कहीं भी कोई वृद्ध महिला दिखाई दे जिसकी मांग में सिंदूर हो और माथे पर एक बहुत बड़ी सी लाल बिंदी हो वो आपकी तरफ देखे हंसे या बात करने लगे तो ये भी बहुत शुभ संकेत है नंबर छ नवरात्रि के दौरान सपने में अगर आपको किसी माता रानी के मंदिर के दर्शन होते हैं तो ये भी बहुत सं, शुभ संकेत होता है ऐसे में आप अपने घर के आसपास किसी भी माँ दुर्गा माँ काली या माँ वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। नंबर सात नवरात्रि के दौरान किसी लंगूर का दिखना भी शुभ माना गया है ऐसे में लंगूर को केले जरूर खिलाएं तो दोस्तों बच्चों जब माँ हम पर प्रसन्न होती है तो हमें कुछ ऐसे संकेत देकर अपनी उपस्थिति का संदेश देती है अगर आपके साथ भी इन संकेतों में से कोई संकेत आपको मिलता है तो समझ जाएं कि माँ आपके साथ है आप पर प्रसन्न है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ माता रानी की जय